मुझे लगा था यहाँ पे खाली होगा, बट यहाँ तो और भी ज्यादा चीज़ें हैं। हाथ में लेके आया हूँ, कुणाल मिल नहीं रहा, कहाँ गया? मेरे सामने जाना है, कैसे जाऊँ? एकदम तप चुकी है अंदर से जबरदस्त। ये पार्किंग में अभी भी भीड़ लगी हुई है। आज मैंने भी पता करा लोगों से इतनी भीड़, पता क्यों? आज हमें ना कुछ करवा के मानेगा। ये मैप कहाँ ले आया पता नहीं, कौन सी जगह है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो गाइस वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। आज की एक बढ़िया सी रात में आपका स्वागत है। आज हम पहली बार कार कैंपिंग कर रहे हैं। कितना बड़ा प्लान बनाया था हमने कार कैंपिंग का कि कल कसौल जाएंगे, मनाली जाएंगे, वहाँ जाके कार कैंपिंग करेंगे। बट देख लो कहाँ कर रहे हैं, अमृतसर में, जहाँ कोई सोच ही नहीं सकता। क्यों भाई, ये तो सो ही गया केशव। और मैंने प्लान बनाया था बट उस समय एग्जीक्यूट नहीं, आज हम दोनों को बाई चांस एग्जीक्यूट करने का मौका मिल गया क्योंकि हमें अमृतसर में रूम नहीं मिला कोई। तो हमने सोचा सोना तो यही है, तो गाड़ी में सो जाते हैं। गुरुद्वारे में बहुत भीड़ है, अब मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, इतने लोग वहाँ पर मतलब सो ही रहे हैं सारे। तो यहाँ गाड़ी में सोना बढ़िया लगा मुझे। फिलहाल आराम करते हैं थोड़ी देर, और अब देखता हूँ बीच में नींद आएगी कि नहीं। टाइम देखो कितना हो गया, 12:52 हो चुके हैं। अगर बीच में नींद खुली तो बाहर जाकर देखूँगा क्या सीन है। फिलहाल तो यहाँ पे पार्किंग में लगा रखी है मैंने गाड़ी, देखो कार पार्किंग है, यहीं सो रहे अपन दोनों। सुबह पता चलेगा क्या सीन है यहाँ का। भाई बड़ा मुश्किल है बिना किसी तैयारी के गाड़ी में सोना। तैयारी इन द सेंस की कुछ गद्दा वद्दा कुछ होना चाहिए। एक तो गर्मी लग रही है सबसे बड़ी बात, क्योंकि शीशे पूरे खोलने ना डर लग रहा है कोई आके हाथ डाल के ना खोल ले कुछ। दूसरी बात बड़ी मुश्किल से देख रहा हूँ ऐसे लेटा हूँ, ऐसे सो रहा हूँ, वैसे सोया नहीं जा रहा सीधा मेरे से। ये तो पता नहीं कैसे सीधा लेटा हुआ है, कैसे सो रहा है। मैं तो ऐसे टेढ़ा होकर आराम से कोशिश कर रहा हूँ सोने की। हम भी 10 मिनट ही हुए हैं सिर्फ लेटे हुए और ऐसी हालत हो गई है, तो नहीं रात कैसे कट गई है, तो पूरी रात पड़ी है। ऐसा ना हो कहीं मेरा डिसीजन ही रॉन्ग ना निकल जाए, मेरा डिसीजन निकल जाए मेरा नाइट यहाँ स्पेंड करने का, रूम या फिर गुरुद्वारे में ना सोना है। वाइज सुबह के बज चुके हैं अभी 7:30 और रात निकल गई बढ़िया तरीके से। मैं तो पीछे यहाँ पर सीट पर पूरा लेट गया था, आराम से कुनाल आगे सो गया था। अब पता नहीं उसको कितनी नींद आई है कितनी नहीं आई, बट मैं तो आराम से सो गया, मतलब ठीक ठाक तरीके से सो गया। कह सकते हो कि हाँ मैं अब 5-6 घंटे गाड़ी चला सकता हूँ आराम से, 8 घंटे। भाई अमृतसर की गलियाँ देख लो, यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। उसने दिल्ली का मैप लगा दिया मैंने, रास्ता मेरे को पता नहीं है। बाकी अमृतसर का एक छोटा वाला हिस्सा पार कर दिया हमने, अभी हम बड़े वाले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ की रोड काफ़ी छोटी है, इस एरिया में तो कभी आए नहीं थे हम, क्योंकि आज वापसी निकलने का रास्ता है ना, इस वजह से थोड़ा छोटा है। मेन दरबार साहिब से आगे जाके है रास्ता, है जो मेन वाला दरबार साहिब है उससे हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। थोड़ी देर में मुझे लग रहा है हाईवे पे पहुँच जाएंगे। वैसे तरन तारण के अंदर अपनी एंट्री हो गई है, बरनाले वाला बाईपास है ये, कुणाल भाई की मैं आपने बताया अभी। द्वार आ गया तरन तारण साहिब का, अभी गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग के लाइन में लगे हैं। यहाँ से गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में अंदर, इधर पीछे, फिर अपना चलेंगे अंदर। अभी इस मैप के चक्कर में पता हम कितना गलत चले गए थे, इतनी सी गली में चले गए, वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया भाई साहब। पता नहीं कैसे निकल गए हैं बस हम, पता इस समय थोड़ा ट्रैफिक मतलब लोग कम थे तो निकल गए, वरना तो इम्पॉसिबल था। दिमाग में भी नहीं आया मेरा एक वीडियो ऑन करके मैं अपने मतलब वीडियो बना लूँ कोई। पार्किंग में घुसने में तो बहुत भीड़ थी, मैंने तो गाड़ी ही रोड पे लगा दी, सारी गाड़ियाँ लगी थी यहाँ पे लाइन से, मैंने भी ही लगा दिया। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे स्नान करूँगा, तो मैं कपड़े वगैरह ले जाता हूँ साथ में, स्नान करके आऊँगा वहाँ पे जाके। 10-15 मिनट लगेंगे वो करके आएंगे भाई, यहाँ से अंदर है पार्किंग, इधर जाने में टिकट लगी थी, खड़े खड़े टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा। लगा के आ गए पैदल हम, अब जा रहे दरबार साहब की तरफ। यह तरन तारण धूप हो रही है बहुत तेज, ऊपर रुमाल बांध लिया मैंने तो, इसने ही बांधा हुआ। गाइस ये गुरुद्वारा साहिब की गली है, यहाँ से अंदर आए गुरुद्वारा साहिब। मुझे लगा था यहाँ पे खाली होगा बट यहाँ तो और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा श्री तरन तारण साहिब जी के अंदर। यहाँ की स्थापना गुरु अर्जन देव जी के द्वारा की गई थी और इस शहर का नाम भी तरन तारण साहिब है। यहाँ पर सबसे बड़ा सरोवर बनाया गया है, ये जो सरोवर आप सामने देख रहे हैं ये आज तक का पूरे पंजाब का या पूरे वर्ल्ड का भी कह सकते हैं सबसे बड़ा सरोवर है। ऑलमोस्ट 90% संगत जो है यहाँ पर अमावस्या के दिन आती है, और आज का दिन भी अमावस्या है, जिसके कारण हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संगत मिली और काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिली है। हमको उम्मीद थी ये थोड़ा सा खाली मिलेगा, बट जितनी ज़्यादा संगत होती है उतनी ज़्यादा कृपा होती है। गाइस ये टावर देख रहे हैं आप, ये टावर भी बनवाया गया था उसी टाइम में जब गुरुद्वारे की स्थापना की गई थी। ये 3 मंजिल का एक टावर है, इसकी हिस्ट्री आप सामने पढ़ सकते हैं, ये जो मिनारेट है कैसे बनाया गया था और क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है।
अभी फिलहाल गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने के लिए आपको अंदर लेकर चलते हैं, और रास्ते में यहाँ पर एक अखाड़ा सा लगा हुआ था जहाँ पर कथा की जा रही थी। फिलहाल यहाँ पर सामने गुरुद्वारा साहिब के अंदर लाइन में लगते हैं, और यहाँ की लाइन बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, बट चक्कर ये था कि दोनों तरफ से संगत आ रही थी, तो उस वजह से कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ तक कि मेरे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे आसपास के लोगों को भी यही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। फिलहाल काफ़ी मेहनत करने के बाद 2 घंटे तक लाइन में लगे और हमारा नंबर आने ही वाला था, तो अंदर जाने की खुशी में मैं तैयार था, बट अंदर जाकर इतना ज़्यादा रश था कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। तो ये गुरुद्वारे की बैक साइड है, यहाँ से भी पूरे सरोवर का हम व्यू ले सकते हैं, एंड कितनी संगत इकट्ठी है आप देख सकते हो। संगत नीचे खड़े होकर अमृत को शक रही है इस समय, और अभी निकलते हुए मैं कड़ा प्रसाद लेने की लाइन में लग रहा हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी संगत है। कड़ा प्रसाद लेने के बाद मैं जा रहा था कुणाल के पास, एंड कुणाल ने अंदर दर्शन नहीं करे क्योंकि उसको बैग संभालना था, और बैग लेकर इस लाइन में लगना नामुमकिन था। फिलहाल अभी यहीं से निकल के हमें जाना है लंगर हॉल की साइड, देखते हैं लंगर हॉल में अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो वहाँ नहीं रुक पाएंगे। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इतनी ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़, पता नहीं कैसे, मुझे लगा खाली होगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिलहाल अभी जल पीते हैं और फिर चले गए लंगर रख के, फिर निकलते हैं अब दिल्ली की तरफ, लंगर हॉल छकेंगे, लंगर हॉल चलते हैं इसके बाद। बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो गई है, जोड़े भी मैं हाथ में लेके आया हूँ, जगह भी नहीं है, कुणाल मिलने का काम गया। आज गैस कुछ है यहाँ पे, मुझे नहीं पता, घर जाके पता चलेगा, पर इतनी ज़्यादा भीड़ में को उम्मीद नहीं थी, मैं हाथ हो गया पर फंस गया। मेरे सामने जाना है, कैसे जाऊँ, एकदम तप चुकी है अंदर से, ज़बरदस्त। ये पार्किंग में अभी भी भीड़ लगी हुई है, आज मैंने भी पता करा लोगों से, इतनी भीड़ पता क्यों, इतनी भीड़ होने का कारण पता क्या है कुणाल, आज अमावस्या है जिसकी वजह से इतनी भीड़, और ये देखो क्या देखा, नाला नहीं आ रहा है। फिलहाल मैंने गाड़ी में इसे चला के छोड़ा 2 मिनट ताकि थोड़ी हीट निकल जाए इसके अंदर से, और भाई मुझे अगर पता होता आज अमृतसर तो मैं नहीं आता, इतनी भीड़ मेरे पास की नहीं। आज अमृतसर में क्या हुआ भाई, आज वहाँ दरबार साहब में कितनी भीड़ होगी, अगर यहाँ भीड़ है तो बहुत ज़्यादा होगी भाई सच में। अभी बस टाइम देखो क्या हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई, लो जी 12:15 हो चुके हैं, और अभी बैठते हैं गाड़ी में, यहाँ से निकलना ही मुश्किल है, जाम लगा पड़ा पूरा, गाड़ी की थोड़ी हीट ख़त्म है फिर बैठते हैं निकलते हैं। गाइस अमावस्या पे आओ, पर सुबह सुबह जल्दी आना, लेट मत होना कभी भी, क्योंकि मेरे पता है परना भी उतर गया था, इतनी भीड़ थी, मत्था टेकते हुए इतने धक्के लग रहे थे, परना नीचे उतर गया था, सच बताऊं तो भाई इतना ज़्यादा मतलब रश है भाई, इतना रश था तो गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ, हम तो सुबह जल्दी आ गए थे तो बच गए, जल्दी भी क्या 9:30-10:30 बजे आए थे, तब भी देख लो मैं 2.5 घंटे लग गए, अब जो आ रहा है ना मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी 3-4 घंटे लगेंगे जैसे अमृतसर में लग रहे थे, बहुत भीड़ है। अब पुलिस हमारी सेवा में, और हम निकले हैं पंजाब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अब दिल्ली के वाल जाने की कोशिश, और यहाँ रश इतना बढ़ चुका है कि गाड़ी मोड़ने की जगह नहीं मिल रही है, पेडेस्ट्रियन इतने ज़्यादा हैं, देखो कैसे निकल रहे हैं, कमेंट्री तुम्हारा भाई बहुत अच्छी करने लग गया आजकल, और यहाँ लग गया दोबारा से जाम, अब अगर मैं इसके पीछे रहूँगा तो और तगड़ा जाम लगेगा, तो इसको जाने देना चाहिए, उसके बाद निकलना चाहिए मेरे को। निकलो जी सारे एक एक करके, सारे निकलो, फाटक आ गए अभी निकलते हुए, अब यहाँ से 8:23 दिखा रहा है, मतलब आज शाम को काम गया 8:23, मतलब आज पहुँचेंगे हम 9-10 बजे रात को घर पे, 10 बजे मान लो 10-11 बजे। गाइस हमारे आगे बस चल रही है, इस बस में बंदे कितने मौज कर रहे हैं, देख रहे हो जो ऊपर बैठा हुआ, लगा हुआ अपनी बंदी से, और वो बेचारे साइड में देखो, वो तो भाई साहब पत्ते खा रहे हैं, बार बार पत्तों में बस टकरा रही है, उनको लग रही है सीधी सीधी, और जो ऊपर बैठा है वो मस्त है, सबसे मस्त है वो अजी बैठे ऊपर, ये अपना बातें बेल रहा है, इसे दुनिया से मतलब ही नहीं, और ये जो बगल में खड़े ना इनकी तो फटी पड़ी है, ये देखो अभी कहीं पत्ते आएंगे ना बजेगा सीधे इनमें, बड़ी दिक्कत है इन लोगों को। ये पिंड के अंदर से ले आया है, खेतों के अंदर से, ये मैं अपने आज बढ़िया स्वाद दिला दिया भाई, यहाँ पे तो मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, ऐसी खुशबू आ रही है ना यहाँ पे गोबर की और मिट्टी की, मतलब जबरदस्त, यहाँ से लेकिन गाड़ी आ रही है पता नहीं क्यों, मैप लेके आता सबको और क्या, यहाँ साइकिल चलाने की जगह पे गाड़ियाँ चल रही हैं आजकल, कैसे घर है पुराने जमाने का, मस्त है यार यहाँ की लाइफ, कोई टेंशन शांति देखो कितनी है, देखो बिल्कुल शांत, सिर्फ हमारी गाड़ी का शोर है और कुछ नहीं है।
पता है यहाँ पे एक पेट्रोल पम्प, एक सीएनजी पंप है, सीएनजी पंप के लिए रुके थे और धूप इतनी तेज़ हो रही है, मेरे से मतलब देखा भी नहीं जा रहा आगे। बट यार यहाँ पे फ्रेश भी हो गए, वॉशरूम भी साफ था और अभी ब्रश कर रहा है। मैं कपड़े भी चेंज करूँगा, टी शर्ट बहुत गर्मी लग रही है मुझे, दूसरी टी शर्ट पहनूंगा और पग भी चेंज करूँगा, यहीं पर कर लेता हूँ फटाफट, सारे काम हो जाएंगे, शीशा भी लगूँगा, फिर यहाँ से निकलेंगे। और गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई यार, चार्जिंग भी लाऊंगा इसको गाड़ी में बैठ के। फिलहाल पहले ब्रश कर लेता हूँ, सुबह से ब्रश नहीं किया मैंने, कुछ खाने का इसलिए मन नहीं कर रहा, आप ब्रश करेंगे फिर खाएंगे इसके बाद। गाइस कपड़े चेंज कर लिए, पग भी बांध ली मैंने दोबारा से, एंड अब कुछ खाना ना किसी रेस्टोरेंट में रुकना था, मैंने कहा थोड़े अच्छे कपड़े होंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए दाढ़ी थोड़ी खुली हुई है वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद तो गाड़ी में बैठ के देखता हूँ उसका जुगाड़ के। ना मेक ओवर करके कपड़े शपड़े चेंज करके, कपड़े चेंज कर लिए, पग बांध ली मैंने, परना बांधा था सुबह से, उसके बाद दोबारा निकले हैं। अब कहीं पर कुछ खाएंगे पियेंगे, ऐसे जा तो दिल्ली रहे हैं, बट मैंने सोचा इतने कपड़े लेके आया हूँ, तैयार तो हूँ ना, मैं चेंज तो करूँ एटलीस्ट, मैंने इसलिए चेंज कर लिया, मौका मिल गया। सुबह से अब ब्रश करा है, मुँह धोया भाई साहब ढंग से, मतलब ऐसे स्नान किया था मैंने, बट स्नान करते हुए ना मुँह नहीं गीला होता, क्योंकि एक तो चश्मा पहना होता मैंने, और दूसरी बात यह है कि मैं ना वो करता हूँ, क्या बोलते हैं, पग बांधी होती है तो सिर नहीं गीला करते, तो इसी वजह से रह गया था। अब लेकिन फ्रेश फील हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, अब बस देखते हैं कहीं खाएंगे, भूख लग रही है, फ्रेश होती ही भूख लगने लग गई सुबह से, क्योंकि वही हो रहा था सिस्टम बेकार। भाई दिल्ली अभी लाइस का नेट खत्म हो गया, बेचारेगा चेक कर दो, बाकी होगा कम से कम 400 किलोमीटर होगा दिल्ली अभी, कम से कम 400 किलोमीटर है, 400 नहीं सॉरी 350 होगा, 350। बरनाला देखो ना यहाँ से, ये मानसा सिद्धू मूसेवाले का पिंड है, मानसा, मानसा आने का भी टाइम नहीं है, मना कर रहा वरना मैं मानसा आने का बहुत मन था मेरा, दोबारा आऊँगा, दोबारा आने का बहाना भी तो चाहिए ना, मानसा आना दोबारा आने का बहाना है, सीधा सिद्धू मूसेवाले के मेमोरियल पे जाऊँगा जो बनाया था, ये देखो फोटो छुपा दी इसने तौलियों से, वहाँ जाके बढ़िया से मतलब मन है मेरा जाने का, अगली बार जाऊँगा, अभी पहले एक जगह और जाना है अगले हफ्ते, फ्राइडे को मुझे कहीं और निकलना है, उसका बताऊँगा घर जाके, फिर आपको बताऊँगा कि क्या क्या, बहुत बहुत प्लानिंग है भाई, बहुत टूर होने वाले हैं, अब देखते रहो बस। फिर दोबारा हमें किसी पिंड के अंदर से ले आया, 6 घंटे रह गए अब, लेकिन अब भूख का बांध टूटता जा रहा है, फटाफट से बस रुक के खाना है, मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा, मैं इससे हो रहा है, ये तो फिर भी सो रहा है, चल सोते हुए नहीं पता चलता, पर मैं उठा हुआ हूँ, मेरे को पता है मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ, 6 घंटे चलानी है और भूख लग रही है, लेकिन बस ये भाई सरसों के खेत की खुशबू, सरसों के खेत नहीं खाते हैं शायद, गेहूँ है पर खुशबू आ रही है बाहर से बढ़िया वाली, भाई से पता नहीं मैप हमें कौन से गाँव में ले आया, कमाल कर दिया आज तो मैं अपने सच में, यहाँ पर ले आया कहता यहाँ से जाओ, मैं हैरान हूँ भाई, यहाँ से बाइक भी जा सकती है आगे, मतलब हमें वापसी मुड़ना पड़ गया, ये देखो जहाँ से निकाल के लाया हूँ मैं, आप कह रहे लेफ्ट हैंड की ऐसी ऐसी वापसी लेके चला मैं तो खेतों के अंदर ले आया, ये देखो ये तो ऐसे हमने तो गाड़ी का ट्रैक्टर बना दिया है, ट्रैक्टर की तरह चला रहे गाड़ी अपनी, ये नहर है यहाँ पे एक शक्ल का, आप यहीं से जा रहे थे, यहाँ से लेफ्ट कट दिखा दिया इसने ज़बरदस्ती, अब हम यहाँ मुड़े थे भाई साहब वापसी आना पड़ेगा उसी जगह पर, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाइस किसानों के मोर्चे पे आ गए हम दोबारा से, गाइस ये भाई आज हमें ना कुछ करवा के मानेगा, ये मैप कहाँ ले आया पता नहीं, कौन सी जगह है क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल सन्नाटा चारों तरफ, बगल में नहर बह रही है, बस यहाँ से बाहर निकल जाए फटाफट, अब दिमाग खराब हो गया मेरा, क्योंकि पिछले 15 मिनट चल रहा रास्ते वाला खेतों वाला, और ना आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे कुछ दिख रहा है, भगवान बस यहाँ से निकाल दो हम, पहले तो आगे मुझे लग रहा है ना कुणाल, फटाफट फटाफट निकले यहाँ से, ज़्यादा नहीं रह गया बस 100-200 मीटर रह गया, वाहेगुरु तो ये पागल हो चुका है, मैं उसको हटा दूंगा सच में, यहाँ से लेफ्ट कह रहा कहीं से, तेरा लेफ्ट ना यहाँ से वैसे जाता तो है, जाती तो है गाड़ियाँ बाइक है, तभी निशान पड़ेगा टायरों के, देखते हैं आगे क्या, चलो रोड तो आ गई भाई, एक बंदा मिला था रास्ते में अभी पता है, उसने बताया कि ना नीचे वाले रास्ते से आना, टोल तुम्हें मतलब मैप तुम्हें ऊपर का दिखाएगा, हमने इसकी बात तो मान ली, मुझे लग रहा है बात मान के सही हुआ शायद है ना, क्योंकि ऊपर रास्ता छोटा बता रहा था, नीचे का रास्ता साफ निकल गया भाई, पर क्या करें ना ऐसी जगहों पर किसी की बात मानने का मन भी तो नहीं करता ना, डर लगता है, अब देख लो आपके सामने ही है, कहाँ आ गया, मैप पे ध्यान दो भाई, लेकिन देख के जाया करो मैप जो बता रहा है, पक्की रोड तो आ गई भाई, अब सर भाई फाइनली डर खत्म हो गया, डर गया था भाई मैं तो, मैं कभी डरता नहीं हूँ, हुआ पता है क्या, मैं ऐसी जगह पे घुसा और ना घुसते मेरे को गाड़ी वाले ने रोक लिए, कहता भाई कहाँ जा रहे हो,
मैंने कहा ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कहता ये फिर मेरे से दो मिनट बात करी, मुझे लगा शायद पता नहीं क्या चाहता है। फिर कहता भाई अगर तुम दिल्ली जा रहे हो ना तो नहर आएगी, नहर से नीचे से जाना ऊपर से मत जाना। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि हम तो टोल हम तो इसके सहारे आ रहे हैं, मैप के सहारे, तो हम तो चलते गए। फिर जब आए ना यहाँ पे तो हमें पता चला अच्छा वो सही कह रहा था, क्योंकि ऊपर का रास्ता बहुत खतरनाक था। उसके बाद थार थी वैसे उसके लिए तो खतरनाक क्या ही था। अभी देखो ये आ गए भाई, जैसे से करके आ गए निकले बस यहाँ से फटाफट से। अब जाके हम मूर्थल पहुंचे हैं, यहाँ पे कुछ खाएंगे भाई, यहाँ पर रोना क्या लगे अपने इलाके में आके 24 घंटे यहाँ का ये स्टेटस रहता है। चलते अंदर, हम तो अंदर बैठे खाएंगे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, भूख लग रही है बहुत तेज, अभी ऑर्डर दिया है 10 मिनट में आ जाए कुणाल, जब तक वॉशरूम गया। शक्ल उतर गई मेरी भूख की वजह से, एक बार चेहरा कैसे उतरा उतरा सा होगा, पूरा क्राउड है इस समय भी 10 बजे भी। पराठे आ गए, कुणाल आया नहीं है, वॉशरूम में ही है, अब इसके ठंडा हो जाएगा। मैं तो शुरू कर रहा हूँ खाना, इसका मक्खन पिघल भी गया, देखो आइस खा पी लिया, 50 मिनट लग गए, पूरा 1 घंटा लगेगा खाने में। फिलहाल अभी चल रहे हैं गाड़ी में, इसका छोटा मोटा सामान मेरे बैग में पड़ा था, ये डाल रहा है अभी, फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा घर की तरफ। बैटरी खत्म हो गई लग रहा है घड़ी की बैटरी डाउन हो गई। फिलहाल टाइम हो चुका है अपना 10:30 बजे होंगे शायद अभी, है ना, हाँ 10:15 हो गए, 11:15 तक पहुँचेंगे, जाके आराम से सोएंगे। कल सुबह ऑफिस का काम भी करना है और शायद ऑफिस जाना ही पड़ेगा मेरे को, शायद जाना था, देखता हूँ अगर जा सका तो ऑफिस चला जाऊँगा, वरना घर से कर लूँगा, देखते क्या होगा। टाइम से घर पहुँच गया, चला भी जाऊँगा 12 बजे तक, अगर सो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ, रात के बज चुके हैं 11:30 एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया इस ट्रिप पे। इस लोग को इसी के अटेंड करते हैं, थक गए काफ़ी ज़्यादा, अब सोऊंगा, सुबह उठ के ऑफिस से काम भी करना है, एडिटिंग भी करनी है। तो मिले कल दोबारा एक बेहतरीन से लोगों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।